हेलो एवरीवन, आज मैं इस ब्यूटीफुल फैब्रिक से प्लेन फैब्रिक से एक ब्यूटीफुल कुर्ती स्टिच कर रही हूँ, जिसे हम अम्ब्रेला कट जो फ्रॉक होती है उसमें कट करने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास 2 मीटर एक जॉर्जेट फैब्रिक है, वो मैंने रखा है 1 फोल्ड करके। तो इस कॉर्नर से मैं उस कॉर्नर पर कॉन शेप बना लूँगी, जैसे हम अम्ब्रेला कट के लिए करते हैं। सबसे पहले मैं इसे इस कॉर्नर से उस कॉर्नर पर सेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, फैब्रिक को मैंने इस कॉर्नर से उठाया, देखिए 1 फोल्ड है। 1 फोल्ड करने के बाद मैंने जो जिधर से क्लोज एरिया है वहाँ से मैं उस तरफ फोल्ड कर रही हूँ। मैंने फोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 इंची टेप रखा है, क्योंकि मैं वीडियो ढंग से नहीं बना पाऊँगी, तो मैंने इस तरफ रखा और इसको राउंड 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 वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक ये लेंथ ले लेगा। मुझे लेंथ फुल रखनी है तो मैं पूरी कवर कर रही हूँ, 2 मीटर की जितनी लेंथ मिलेगी मुझे, लेकिन आप उतनी ही रखिएगा जितनी आपको ऊंची रखनी है। तो चलिए, मैंने लेंथ ले ली है फुल। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक बार क्लिक तो कर दीजिएगा लाइक का। अब ये देखिए, यहाँ से मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अम्ब्रेला कट कुर्ती जो कट कर रही हूँ उसमें से ऊपर से उसमें नेक की डिज़ाइन देनी है। तो देखिए, मैंने एक सीधी लाइन खींची जो ये छोटा है। अगर आपको नेक छोटा साइज रखना है, कम रखना है, तो आप कम रख लीजिएगा। और मैंने देखी, मुझे थोड़ा सा साइज बड़ा करना है तो मैंने उस कॉर्नर पे रखा है। आप जैसा भी रखेंगे आपका ठीक आएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ से लेके जितने शोल्डर थे, शोल्डर 12 था तो मैंने उसका 6 रखा है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं 6 पे, मैं जो जितनी डीपनेस देनी है तो मैंने 6 पे ही मार्जिन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आर्म होल्ड जितने रखने होते हैं उतनी ही मैं गहराई दूंगी। और यहाँ पर भी मैंने 6 पे मार्जिन लगा लिया। और 2 इंच एक्स्ट्रा देना चाहें दे दीजिए, क्योंकि ये अम्ब्रेला कट तो लूज़ रहनी ही है शोल्डर पे, आर्म होल्ड पर। तो आप उसको टिक, आर्म होल्ड का टिक लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा भी कर दिया है। अब अम्ब्रेला कट में फिटिंग का टेंशन नहीं रहता ज़्यादा। तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ शोल्डर थोड़े से पतले से आएंगे, क्योंकि मैं पतली सी बेल्ट रखना चाहती हूँ, ज़्यादा थिक चौड़ा नहीं रखना चाहती। और जो आर्म होल्ड की गहराई है वो शोल्डर की हाफ़ रहती है, जैसे शोल्डर हाफ़ रहते हैं वैसे ही शोल्डर की हाफ़। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आर्म होल्ड पे हमने जो मार्जिन दिया था 3 के बाद 2 इंच की आपकी स्टेप आ जाएगी। और जितना भी एक्स्ट्रा भाग है पूरा 6 का दिया था, और उतना ही आपका आर्म होल्ड दिया है मैंने, देखिए मार्जिन लगा लिया है। और राउंड शेप दे दिए अपने हाथों से, क्योंकि टिक नहीं लगाया था मैंने। और आप कितना भी फिटिंग करेंगे तब भी अम्ब्रेला कट में फिटिंग नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा एक अम्ब्रेला कट फिटिंग वाला भी है, वो मैं वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, तो मैंने कट कर लिया है। अब देखिए, आर्म होल्ड और जो नेक की डिज़ाइन है उसमें एक पाइपिंग लगाएंगे। उससे पहले मैं दिखा दूँ, नीचे का जो घेर था उसको मैं पीको करूँगी। तो मैं पीको कर लेती हूँ, और जो जितनी भी साइड्स हैं यहाँ पे मैं, ये मैंने समीज बनाई है, और जो उस पर मैं जो पाइपिंग लगानी होगी इस पर भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी। मैंने उसी साइज़ से मैंने समीज भी बना ली, क्योंकि जॉर्जेट का कपड़ा है। ये मैंने पीको कर लिया है। पीको करने के बाद जो आर्म नेक की डिज़ाइन है उस पर मैंने 2 इंच की पट्टी लगाई है, जैसे पाइपिंग लगाते हैं नॉर्मल, वैसी मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब मैं स्लीव्स पर भी पाइपिंग लगा लूँगी। 2 इंच की पट्टी काट के आप उसको फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए, जैसे पाइपिंग लगाते हैं, और फिर उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर दीजिएगा। तो मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया और मैं इस पर स्टिच कर देती हूँ। अब मैं इसमें स्टिच कर रही हूँ, स्लीव्स पे भी स्टिच कर रही हूँ, मैं कर चुकी हूँ सॉरी। और ये देखिए, मैंने जो स्टिच करने के बाद उसी पर मैं एक पतली सी लेस और लगा रही हूँ। ये देखिए, मुझे ये कुर्ती बहुत जल्दी और कम समय में स्टिच करना था, इसलिए मैंने आपको कम शो किया है। तो मैंने लेस लगा लिया है, और बस सिंपल सी ये कुर्ती मुश्किल से 10 मिनट में बन गई है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। 6 7